असल स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ तो अपने इंग्लिश की बुक देखी इंग्लिश रीडर इसमें हम लोग पी ए टू का सिलेबस स्टार्ट करेंगे हाफली का सिलेबस जो हम लोग अपना कम्प्लीट कर चुके हैं तो पी ए टू का सिलेबस एक बार चेक टेक करते हैं कंटेंट्स में <coughs> लेसन नंबर नाइन मुराली बिकम्स अ गुड बॉय लेसन नंबर टेन बर्थडे लेसन नंबर इलेवन माई नेबरहुड ये थ्री चैप्टर्स हम लोगों को अपने पी ए टू के लिए कम्प्लीट करने हैं लेसन पी ए टू यहाँ लिखेंगे लेसन नंबर नाइन टेन एंड इलेवन आज सबसे पहले लेसन नंबर नाइन पढ़ेंगे मुराली बिकम्स अ गुड बॉय ऑन पेज नंबर फोर्टी वन पार्ट नंबर एट तक हम लोग का हाफ फिली कम्प्लीट हुआ था पार्ट नंबर नाइन हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से लेसन नंबर नाइन निकालिए पेज नंबर फोर्टी पेज नंबर फोर्टी वन देखिए पेज नंबर फोर्टी वन लेसन नंबर नाइन लेसन नेम है मुराली बिकम्स अ गुड बॉय पार्ट नंबर नाइन शो करना है यहाँ पर जब भी आप लोगों को वीडियो अपलोड होती है जबकि डेट लिखनी है ठीक है मुराली एक बच्चा है जो कैसा हो चुका है गुड बॉय यानी कि अच्छा लड़का गुड मतलब अच्छा बॉय मीन्स लड़का अब वो कैसे स्टोरी में बता रहे हैं कि मुराली जो है वो एक अच्छा लड़का किस तरह से बनाए ठीक है हाउ कैन यू हेल्प अदर्स पे कैरी टू पिक्चर्स डिस्कस विद योर फ्रेंड्स कह रहे हैं कि आप दूसरों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं यानी कि मदद कर सकते हैं इन पिक्चर्स को देखिए पिक एनी टू पिक्चर्स कोई भी दो पिक्चर्स लिए और अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए ठीक है नेक्स्ट है देयर वॉज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड ढोलपुर कह रहे हैं एक छोटा सा गांव था इसका क्या नाम था ढोलपुर द विलेजर्स वर मोस्टली फार्मर्स एंड दे लिव्ड हैप्पीली कह रहे हैं जो ज़्यादातर जो विलेजर्स थे यानी कि जो गांव के रहने वाले लोग थे वो क्या थे फार्मर्स थे एंड दे लिव्ड हैप्पीली और वो खुशी खुशी रहते थे बट देयर वॉज अ नाइन ईयर्स ओल्ड नोटी बॉय कॉल मुराली कह रहे हैं लेकिन वहाँ पर एक नौ साल का बच्चा था जो बहुत कैसा था नोटी था शरारती था ही ट्रबल्ड देम लॉट एवरी मैन एंड देन कह रहे हैं कि वो हर किसी को ही किसमें परेशानी में डालता था वन डे एक दिन की बात है ही कट दी रोप विद विच हिज नेबर्स गॉट टाइड टू अ मैंगो ट्री नियर हिज हाउस कह रहे हैं एक दिन की बात है उसके घर के पास तो यानी मुराली जो बच्चा था जो उस गांव में रहा करता था उस घर के उस बच्चे के घर के पास एक बकरी थी जो एक रस्सी से एक मैंगो ट्री से बंधी हुई थी ठीक है वो क्या करता है उस रस्सी को रोक कहते हैं रस्सी को उसको वो कट कर देता है दी गॉड रैन अवे एंड वॉज नॉट बी टू बी फाउंड वो बकरी जो होती है वहाँ से गॉड भाग जाती है और वो वहाँ पर नहीं मिलती है संगीता हिज नेबर वॉज वेरी एंग्री यानी कि जो संगीता है उनकी वो गॉड थी कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्री यानी कि गुस्से में गुस्से होती हैं नेबर कहते हैं पड़ोसी को दी अदर डे दूसरे दिन क्या होता है मुराली थ्री स्टोन्स एंड ब्रॉक ऑल दी क्ले पॉट्स ऑफ रमैया कह रहे अगले दिन मुराली ने क्या किया कुछ पत्थर के टुकड़े लिए उन्होंने और उसको क्ले की पॉट्स थी रमैया की उसको उन्होंने तोड़ दिया शी हेट देम नियर हर हट हट When she saw them, she was very upset. जब उसने रमैया ने जब उसको सभी पॉट्स को देखा जब वो टूट चुके थे तो वो ये देख कर बहुत ज़्यादा अपसेट हुई यानी अपसेट या मीन्स उदास संगीता एंड रमैया संगीता की जिसकी बकरी की रस्सी कट कर दी थी वो और रमैया जिसका जो क्ले का पॉट था उसको ब्रेक कर दिया था दोनों ही क्या करती है मैंट टू मुरालीज़ पेरेंट्स टू कम्प्लेंट कम्प्लेंट कहते हैं शिकायत करने को शिकायत करने के लिए वो मुराली के पेरेंट्स के पास जाती हैं बट दे डिड नॉट बिलीव दैम लेकिन जो मुराली के फैमिली है फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसका उन दोनों ही लेडीज़ का भरोसा बिलीव कहते हैं भरोसे को भरोसा नहीं करते दे सैड मुराली इज़ अ गुड एंड सिंपल बॉय वो लोग क्या कहते हैं उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं मुराली के कि मुराली मुराली जो है वो अच्छा और सादा सा बच्चा है सिंपल बॉय है कह रहे हैं ही विल नेवर डू सच कह रहे हैं कि वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता है ठीक है नेक्स्ट आइए पेज नंबर पेज नंबर फोर्टी टू थिंग्स दे लुक द फेवर ऑफ देयर सन वो जो है मुराली के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का फेवर लेती हैं हिज पेरेंट्स ऑलवेज सैड सो वेन वैन विलेजर्स केम एंड कंप्लेन अबाउट देयर सन जब भी उस बच्चे के पेरेंट्स कंप्लेन कोई भी शिकायत लेकर आते थे तो जो मुराली के पेरेंट्स थे वो यही सेम बात कहा करते थे ठीक है लोगों से दी पेरेंट्स लव्ड हिम अलॉट जो पेरेंट्स थे मुराली के वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते थे दे थाट देट मुराली वॉज दी बेस्ट चाइल्ड इन दी वर्ल्ड वो क्या सोचते थे कि जो मुराली है उनका बेटा वो इस दुनिया का सबसे अच्छा चाइल्ड है यानी कि बच्चा है वन मॉर्निंग मुराली वॉज ऑल अलोन कह रहे हैं एक सुबह की बात बता रहे हैं मुराली अलोन था यानी कि अलोन मीन्स अकेला हिस्स पेरेंट्स हैड ग टू दी नियर बाई टाउन टू सी दी डॉक्टर बिकॉज़ मुरालीज़ फादर हैड हाई फ़ीवर कह रहे हैं जो मुराली उसके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ जाते हैं एक वहीं शहर में जाते हैं टू सी दी डॉक्टर क्या देखने के लिए डॉक्टर को देखने के लिए क्योंकि मुरालीज़ के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा उनको हाई फीवर था मुरालीज क्लाइंड अप दी बिग मैंगो ट्री नियर हिज हाउस मुराली के घर के पास एक मैंगो ट्री था जिस पर वो क्या करते हैं क्लाइम कहते हैं चढ़ने उस पर चढ़ते हैं ही वॉज अबाउट टू प्लक अ बिग राइप मैंगो वेन ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन कह रहे हैं क्या होता है वो जैसे ही उसको तोड़ते हैं राइप कहते हैं रसीले मैंगो यानी कि आम बड़े बड़े होने रसीले मैंगो दिखते हैं उस पेड़ पे जैसे ही वो उसको तो प्लग करते हैं यानी तोड़ते हैं वो क्या होते हैं स्लिप हो जाते हैं और फेल डाउन नीचे गिर जाते हैं कौन मुराली नेक्स्ट है मुरालीज़ नेबर संगीता रैन आउट व्हेन शी हियर्ड हिम शाउट इन पेन मुराली की जो नेबर थी संगीता जिनकी गॉड की जो रोब थी उसको कट कर दिया था मुराली ने वो एकदम से जब मुराली की आवाज़ सुनती हैं चीखती हुई हियड कहते हैं सुनने को शाउट चीखती हुई चिल्लाती हुई तो वो एकदम बाहर आती हैं पेन यानी कि दर्द भरी आवाज़ शी हेल्पड मुराली एंड टुक टू हर हाउस वो जो है मुराली की हेल्प करती हैं और मुराली को उसके घर तक लेकर जाती हैं She, sorry, अपने घर ले, हाँ ले कर जाते हैं टुक टुक टू हराउ यानी कि अपने घर लेकर जाते हैं शी गेव हेम मेडिसिन फॉर दी पेन एंड सम राइस पुडिंग टू ईट वो उसको कुछ दवाइयाँ देती हैं दर्द के लिए और कुछ राइस देती हैं खाने के लिए ही फेल्ट मच बेटर अब वो पहले से ज्यादा बेटर फील कर रहे थे कौन <coughs> मुराली नेक्स्ट है रमैये केम टू मीट संगीता बौद्ध संगीता एंड रमैया लुक्ड आफ्टर वेल अब रमैया जो है केम टू मीट संगीता वो संगीता से मिलने जाती हैं बौद्ध संगीता एंड रमैया लुक्ड आफ्टर वेल अब संगीता और रमैया दोनों ही मिलकर उसकी केयर करते हैं ठीक है मुराली रियलाइज दैट ही हैड नॉट बीन अ गुड बॉय मुराली को तब ये रियलाइज होता है रियलाइज यानी एहसास होता है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है ही स्टार्टड क्राइंग एंड सैड वो रोना स्टार्ट कर देते हैं एंड आई एम सॉरी सो सॉरी और वो दोनों ही लेडीज से क्या कहते हैं संगीता और मैया से सो सॉरी माफ़ी मांगते हैं आई हैव ट्रबल्ड यू अलॉट यानी कि मैंने आपको बहुत ट्रबल परेशानी मैंने आपको बहुत परेशान किया है बट यू हैव बीन सो काइंड टू मी लेकिन आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव <coughs> किया आई विल नेवर बी नोटी अगेन मैं कभी भी शरारत आगे से नहीं करूँगा वन मुरालीज़ पेरेंट्स केम बैक दे थैंकड दैम एंड टुक मुराली होम विद इन अ डे देयर सन हैड चेंज अलॉट कह रहे हैं कि मुराली के पेरेंट्स जब आते हैं तो वो देखते हैं और वो मुराली को अपने साथ घर वापस लेकर चले जाते हैं कह रहे हैं मुराली को घर पे देखते हैं वो एक दिन में ही बहुत से उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं अलॉट यानी बहुत से फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स यानी कि उस दिन की उस दिन के बाद से ऑनवर्ड यानी आगे से ही बिहेव्ड वेल एंड स्पोक पोलाइटली विद अदर्स वो बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सभी के साथ बिहेव करता था और बोलता था ठीक है एक्सप्लेनेशन चैप्टर का लेसन नंबर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेसन नंबर नाइन पार्ट नंबर नाइन में अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर फोर्टी टू पर क्वेश्चन आंसर है जो हमें कॉपी में करने हैं नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर फोर्टी थ्री पे क्वेश्चन आंसर बाकी के यहाँ गेवन है नेक्स्ट है टिक दी करेक्ट आंसर फर्स्ट है मुराली वॉज अ वेरी डैश मुराली कौन थे नोटी बॉय या फिर क्लीवर बॉय तो मुराली कैसे बॉय थे नोटी बॉय नोटी बॉय पर टिक करेंगे यहाँ पर हमें इसको फिल भी करना है सेकेंड है मुराली लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज डैश कह रहे हैं मुरा मुराली जो थे वो एक छोटे गाँव में रहा करते थे जिसका क्या नाम था ढोलपुर या फिर समरपुर तो उसका नाम था ढोलपुर नेक्स्ट है थर्ड मुराली थ्रिय स्टोन्स एंड ब्रॉक दी डैश पॉट्स मुराली ने स्टोन को फेंका और क्या चीज़ कैसे पॉट्स तोड़े थे क्ले के या फिर स्टील के तो वो कैसे पॉट्स थे क्ले क्ले को टिक करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे नेक्स्ट फोर्थ है मुराली क्लाइम्ड अ बिग डैश ट्री मुराली जो है चढ़े थे क्लाइम कहते हैं चढ़ने को एक बड़े से पेड़ पे किसका पेड़ था वो एप्पल या फिर मैंगो तो वो किसका पेड़ था मैंगो मैंगो को टिक करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे नेक्स्ट है सी फिर ब्लैंक्स फिर फिरिदी ब्लैंक्स में फर्स्ट है दी विलेजर्स ऑफ ढोलपुर लिव्ड डैश जो विलेजर्स थे ढोलपुर के वो कैसे रहते थे हैपीली यानी कि खुशी खुशी नेक्स्ट सेकंड है विलेजर्स कंप्लेन अबाउट हिम डैश व्हेन ही ट्रेवल्ड अगेन कह रहे हैं कि विलेजर्स जो थे वो कंप्लेन करने आए थे एंग्रीली एंग्री यानी कि गुस्से में व्हेन ही ट्रेवल्ड हिम जब वो उसको परेशान किया करते थे तो यहाँ क्या आ जाएगा एंग्रीली ए एन जी एंग आर आई एलवाई रिली एंग रिली ठीक है नेक्स्ट है थर्ड संगीता ट्रीटेड मुराली डैश वैन ही फेल फ्राम दी मैंगो ट्री संगीता जो है वो मुराली मुराली को ट्रीट करती हैं किस तरीके से काइंडली वैन ही फेल फ्रॉम जब वो मैंगो ट्री से नीचे गिर जाते हैं कौन मुराली नेक्स्ट है मुराली स्पोक डैश विद अदर्स वैन ही बिकेम अ गुड बॉय मुराली जो थे वो बहुत कैसे बोला करते थे फिर <coughs> हैप्पीली नहीं आएगा यहाँ पर आएगा पोलाइटली क्योंकि हैप्पीली हम लोग फर्स्ट में फिल कर चुके हैं ठीक है थीके? तो यहां पर हमें क्या लिखना है पोलाइटली फोर्थ फिलिंद में क्या आ जाएगा पोलाइटली नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या अपना स्टार्ट करेंगे पोलाइटली पी ओ एल आई टी ई एल वाई पोलाइटली ठीक है ये कंप्लीट हो होगी नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन बाकी की एक्सरसाइज है हम लोग को ग्रामेटिकली वो हम लोग को नहीं करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हु वॉज मुराली वेयर डिड ही लिव यानी कि मुराली कौन थे और वो कहाँ पर रहा करते थे ठीक है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है तो क्या कौन थे मुराली मुराली वॉज अ नोटी बॉय मुराली शरारती बच्चा था ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड ढोलपुर कह रहे वो एक गांव में रहते थे छोटे से गांव में जिसका क्या नाम था ढोलपुर ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू वाई डिड द विलेजर्स कंप्लेन टू मुरालीज पेरेंट्स अबाउट हिम कह रहे हैं जो गाँव विलेजर्स यानी कि जो गांव वाले थे वो मुराली के पेरेंट्स से उनकी शिकायत क्यों करते थे विलेजर्स कंप्लेन टू मुरालीज पेरेंट्स अबाउट हिम बिकॉज ही ट्रबल देम अलॉट एवरी मैन एंड देन कह रहे हैं क्योंकि जो मुराली थे वो हर किसी को इंसान को तकलीफ़ यानी कि दुख पहुँचाया करते थे ठीक है यानी कि परेशान किया करते थे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री ये पेज नंबर है पेज नंबर फोर्टी थ्री पे क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डिड मुरालीज़ पेरेंट थिंक अबाउट है मुराली के पेरेंट्स क्या सोचते थे मुरालीज़ पेरेंट थैंक दैट मुराली इज़ अ गुड बॉय गुड एंड सिंपल बॉय यानी कि मुराली के जो पेरेंट थे वो सोचते थे कि जो मुराली हैं वो गुड यानी अच्छे और बहुत सादा सिंपल लड़के हैं ठीक है योग्य आंसर नंबर थ्री नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर वॉट हैपेंड वेन ही क्लाइम्ब अ मैंगो ट्री जब वो मैंगो ट्री पर चढ़े थे तो क्या हुआ था वेन ही क्लाइम्ब अ मैंगो ट्री ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन कह रहे हैं जब वो मैंगो ट्री पर चढ़ते हैं तो वो स्लिप हो जाते हैं और फेल डाउन यानी कि गिर जाते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डिड संगीता हेल्प मुराली कह रहे हैं कि संगीता की मुराली ने किस तरह से हेल्प की संगीता हेल्प मुराली शी गेव हिम मेडिसिन फॉर दी पेन एंड सम राइस पुडिंग टू ईट कह रहे हैं उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी और उनको चा, चा, खाने के लिए राइस पुडिंग दिए थे ठीक है यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर नाइन जो है वो कम्प्लीट हो गया इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा और अपना लेसन नंबर नाइन कम्प्लीट किएगा ठीक है पार्ट नंबर नाइन में हम लोग को टू चैप्टर्स और कम्प्लीट करने हैं अपने पी टू के लिए तो जब तक सभी लोगों को अपना यहाँ तक कवर कम्प्लीट करना है ठीक है थैंक यू